इज योर चाइल्डहुड ड्रीम स्टिल कॉलिंग यू? क्या आपके चाइल्डहुड के ड्रीम अभी तक आपको बुला रहे हैं? क्या वो बोल रहे हैं बचपन में तुमने जो सपने देखे थे क्या वो अब पूरा तुम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? क्या वो पूरा तुम्हें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कौन से सपने, कौन से चाइल्डहुड के ड्रीम्स? ये मत सोचना कि ड्रीम जो तुम देखे थे बचपन में सुपरमैन बनने का वो तुम बनोगे। नहीं, सुपरमैन बनने के चक्कर में कितने ऐसे बच्चों ने हाथ तोड़ा, पैर तोड़ा कितनों बच्चों ने किया है। वो वाली ड्रीम की मैं बात नहीं कर रही। कौन सी ड्रीम की मैं बात करूँ? गोल्स की मैं बात करूँ। चाइल्डहुड ड्रीम, कौन से ड्रीम्स हो सकते हैं जो आपने देखा होगा? बचपन में आपको क्रिकेट खेलना बहुत पसंद होगा, तो आपने सोचा होगा कि आगे जाके मुझे क्रिकेटर बनना है। नेक्स्ट, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इंस्ट्रूमेंट प्ले करना बहुत अच्छा लगता है। फ्लूट बजाना बहुत अच्छा लगता है, गिटार बजाना बहुत अच्छा लगता है, पियानो प्ले करना बहुत अच्छा लगता है, ड्रम प्ले करना बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब सपने जो आपने चाइल्डहुड में देखे थे वो कब पूरे करोगे? वो मौका कब आएगा? सोशल वर्कर कौन होते हैं? जो लोगों की मदद करते हैं। क्या आपने भी ऐसे सपने देखे थे कि मैं भी एक दिन बड़ा होके दूसरों का मदद करूंगा? नेक्स्ट, और क्या ड्रीम्स आप देख सकते हो? वर्ल्ड घूमना है। वर्ल्ड की स्पेलिंग उस टाइम में बचपन में आती नहीं थी, जब आई तो ये नहीं पता चला कि कितने कंट्रीज है वर्ल्ड में। मगर एक सपने थे कि मैं वर्ल्ड घूमूं। जब कुछ कुछ कंट्रीज के नाम पता चला तो वो ऐसा आपने क्या क्या अपने वर्ल्ड टूर के लिस्ट में ऐड करते चले कि हाँ मुझे ये जगह जाना है। नेक्स्ट और क्या हो सकता है? नेक्स्ट, आपको सिंगिंग की बहुत शौक होगी, आपको म्यूजिक। देखो, बहुत से स्टूडेंट है ना जिनको स्टार्टिंग से ही म्यूजिक उनको बहुत अच्छा लगता है। बचपन से ही उनको म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है। जब वो छोटे रहते हैं उनके पेरेंट्स सॉन्ग प्ले करते हैं तो वो लोग काफ़ी ध्यान से सॉन्ग को सुनते हैं एंड उनको बहुत अच्छा लगता है। किसी किसी को सिंगिंग करना अच्छा लगता है। अब सिंगिंग तो हर कोई कर लेता है, बाथरूम सिंगर भी कोई होता है, कोई किचन सिंगर होता है, कोई दौड़ने के टाइम में भी सिंगिंग करता है। सिंगिंग में क्या है, एक आपका स्किल है, एक आपका टैलेंट है। तो जिसको सिंगिंग, तो किसी किसी को था कि नहीं मैं बड़े होके सिंगर बनूंगा, तो क्या आप सिंगर कब, तो आप सिंगर कब बनोगे? वो टाइम कब आएगा? नेक्स्ट, मुझे स्पेस में जाना है। ये रॉकेट जैसा जो चीज़ है, मुझे एक दिन स्पेस में जाना है। आप भी सोचते होंगे कि मैं एक दिन स्पेस में जाऊंगा, स्पेस में क्या होता है? क्या स्पेस में खाना मिलता है? क्या स्पेस में पानी मिलता है? क्या स्पेस में लोग रहते कैसे? क्या स्पेस में घर रहता है? आखिर रहते कैसे हैं लोग? आप भी सोचे होंगे मुझे जाना है। तो कब जाओगे एंड कब ये सपने अपने पूरे करोगे? बचपन के सपने 15-16 ईयर्स तो यूं ही निकल गए, तो ये सपने पूरे कब करोगे? बचपन की उम्र में या फिर कभी करना ही नहीं है? सपने को सपना ही रहने देना है या फिर सपने को कभी पूरा भी करना है? ये वक्त कब आएगा? ये वक्त आएगा जब आप चाहोगे। अब आप ऐसे स्टेज पे हो जहाँ पे आपको सारी एक स्टडी से रिलेटेड डिसीजन आपको खुद करना है। दैट मीन्स कि आपको क्या स्टडी करना है और क्या नहीं करना है वो आपको डिसाइड करना है। पहले 10th तक में स्टडी ऑल द सब्जेक्ट कंपलसरी था, बट नाउ सारे सब्जेक्ट कंपलसरी नहीं है, लेकिन जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है पढ़ने में उसमें आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना एंड टैलेंटेड बनना वो आपकी जिम्मेदारी है। तो अब वो वक्त आया है कि अब आप अपने सपने को पूरा करो। क्रिकेटर बनने का, तो वो सपने को आप पूरा करो। गो इनटू द स्पोर्ट्स फील्ड। सिंगिंग का शौक है तो गो इनटू द सिंगिंग फील्ड। स्पेस में जाने के लिए भी पढ़ाई करना पड़ता है, साइंटिस्ट बनने के लिए भी पढ़ाई करना पड़ता है। तो वो अब वक्त आया है कि आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा। साइंटिस्ट बनने के लिए जितनी कुछ होती है, जितनी पॉसिबिलिटीज है, सारे सब कुछ आपको पूरे करने होंगे। वर्ल्ड टूर करना है तो वर्ल्ड टूर के लिए, टूरिज्म के लिए भी डिग्री होती है, डिप्लोमा होता है, सर्टिफिकेट्स होता है। ये सारी चीज़ें ले लो एंड गो थ्रू दैट। आपको अपना गोल्स का स्ट्रीम खुद चूज करना है एंड अपने गोल्स को पूरा करना है। डॉक्टर बनना है, बचपन से ख्वाब देखा था कि डॉक्टर बनना है। एक डॉक्टर बनने के लिए, वाइट कोट पहनने के लिए अब वो टाइम आ चुका है कि आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी।
आप डॉक्टर बनने के लिए व्हाइट कोट पहनने के लिए डॉक्टर एक टैग अपने नाम के आगे लगाने के लिए वो वक्त अब आया है, अब आपको मेहनत करना पड़ेगा। एक लिस्ट बनाओ क्या क्या पॉसिबिलिटीज है डॉक्टर बनने की, एंड उसको जब जब वो चीज पूरा हो जाए उस पे एक टिक लगाओ, एंड अपने आप को बताओ चलो मेरा एक स्टेज पूरा हो गया है डॉक्टर बनने का, एक स्टेज पूरा हो गया है डॉक्टर बनने का। अभी आपने 10th पास किया और आपके सपने थे डॉक्टर बनने का, तो अब आप अपना एक स्टेज पूरा कर चुके हो, दैट इज द 10th का स्टेज पूरा कर चुके हो। अब आप जा रहे हो सेकेंड स्टेज, दैट इज द 12th के स्टेज पे। जिस दिन आपका 12th का स्टेज पूरा हो जाएगा तब आप क्या करोगे, 12th के स्टेज पे भी टिक लगा दोगे। जिस दिन आप नीट क्रैक कर लोगे, अब आप अपने लिस्ट में जो नीट जहाँ पे आपने लिखा था उसके आगे टिक लगा दो। वैसे स्टेप बाय स्टेप आप अपने गोल्स की तरफ फॉरवर्ड जा रहे हो, एंड एक ना एक दिन पूरा होना है। अब स्टेप टू लेने का वक्त आ गया है, जो आपको खुद चूज करना है। स्ट्रीम सिलेक्शन आपको खुद करना है, आपके इंटरेस्ट के बेसिस पे आपको करना है। नेक्स्ट है विच इज बेस्ट फॉर मी। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, विच इज बेस्ट फॉर मी, मेरी पर्सनैलिटी से क्या क्या चीज़ मुझे सूट करेगी, कौन सी प्रोफेशन मुझे सूट करेगी, क्या मुझे बनना चाहिए। देखो सूट करने वाली कुछ चीज़ें नहीं होती है, ये अगर आपके दिमाग में है कि कुछ मेरे पर्सनैलिटी से, दैट इज मेरे बॉडी स्ट्रक्चर से कुछ सूट करे, तो वो कोई सूट करने वाली बात नहीं है। सूट तब होता है जब आप उस चीज़ को पूरा कर लो, तो वो अपने आप आपके पर्सनैलिटी से सूट हो जाता है। आपको अगर डॉक्टर बनना है, एंड डॉक्टर बनने में कोई बॉडी पर्सनैलिटी नहीं चाहिए, क्या चाहिए इज ऑल दैट इंटेलिजेंसी चाहिए, आपके हार्ड वर्किंग चाहिए, आपका कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, आप कितने अपने गोल के पीछे फोकस्ड हो वो चाहिए। एक सीए बनने के लिए बॉडी पर्सनैलिटी नहीं चाहिए, कि आप अपने दिमाग को कितना अप्लाई कर सकते हो अपनी स्टडी में, ये चीज़ देखा जाएगा। जिस दिन आप सीए बन जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, लॉयर बन जाओगे, आईएएस बन जाओगे, आईपीएस बन जाओगे, बिजनेसमैन बन जाओगे, कुछ भी चीज़ें आप बन जाओगे, तो आपको अपनी चीज़ें अपने पर्सनैलिटी के साथ खुद पे खुद सूट कर जाएगी। तो ये मत सोचो कि मुझे मेरी पर्सनैलिटी पे क्या सूट करेगा, ओके? आपके गोल्स के हिसाब से अगर आपकी इंटरेस्ट सेट है तो वो तो एक ना एक दिन आपकी पर्सनैलिटी को सूट करना ही करना है, ओके? इस डायग्राम में तो आप देख रहे हो कि ये सोच रही है कि मुझे मेरे पर्सनैलिटी से क्या सूट करेगा। इनमें से आप कहीं ना कहीं आप हो, आप सोच रहे हो मैं कौन से जगहों पे जाऊँ, कौन से पाथ को फॉलो करूँ, एंड कौन से स्ट्रीम में मैं जाऊँ, साइंस में जाऊँ या कॉमर्स में जाऊँ या आर्ट्स में जाऊँ, एंड मैं अगर ये चूज भी कर ली हूँ तो मुझे आईएएस बनना है, लेकिन सब बोल रहे हैं कि साइंस लेकर भी आईएएस बन सकती है, कॉमर्स लेकर के भी आईएएस बन सकती है, आर्ट्स लेकर के भी आईएएस बन सकती है। यस इट्स वेरी ट्रू दैट आप कोई भी स्ट्रीम लेके आईएएस बन सकते हो, बट आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ है। बहुत लोग आपको बोले होंगे कि सीए जो है वो साइंस लेकर भी कर सकते हैं, कॉमर्स लेकर के भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये डिसाइड करना है कि शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है। जब आप साइंस लोगे तो साइंस में आपको कॉमर्स जैसी कुछ चीज़ें नहीं पढ़ाई जाएगी 11th एंड 12th में, एंड 11th एंड 12th के बाद ही सीए का फर्स्ट एग्ज़ाम होता है, दैट इज़ द सीए फाउंडेशन। सीए का फर्स्ट एग्ज़ाम होता है, दैट इज़ द सीए फाउंडेशन। जब आप सीए फाउंडेशन का प्रिपरेशन करोगे तो उसमें मोस्ट ऑफ द सिलेबस जो रहते हैं वो 11th एंड 12th पे बेस रहता है। तो आप अगर कॉमर्स से 11th एंड 12th की उसके बाद सीए करने के लिए गए हो तो आपको इजीली चीज़ें समझ में आएंगी, एंड जो आपने 11th एंड 12th में पढ़ा है वो आपको ऑलरेडी क्लेरिफाइड है। बट वही चीज़ आप अगर साइंस करने के बाद सीए करने के लिए जाओगे तो आपके लिए कॉमर्स बिल्कुल भी न्यू रहेगा, एंड 5-6 महीने का जो कोर्स का टाइम रहता है वो कोर्स के टाइम में आप कॉमर्स की चीज़ें समझोगे या फिर सिलेबस पढ़ोगे, ये अब आपका डिसीज़न है। बनना आपको है, डिसीजन आपको लेना है। बस गाइड मैं ये कर रही हूँ कि आप अपने गोल तक अगर पहुँचना चाह रहे हो तो
इधर उधर रास्ते से ना भटको, सिर्फ और सिर्फ अपने ट्रैक तक पहुंचो। ये जो लड़का जो एक नंबर के ट्रैक पे खड़ा हुआ है, ये सीधा सीधा क्या करेगा, अपने गोल तक रीच करेगा। दैट इज द, इसको अगर सीए बनना है तो ये क्या किया, अपने गोल तक रीच किया। ये जो सेकंड ट्रैक पर जो लड़की है, दैट इज द, इसको क्या करना है, डॉक्टर बनना है। तो डॉक्टर बनने के लिए ये अपने ट्रैक को फॉलो की, एंड सिंपलेस्ट ट्रैक से फॉलो करके ये क्या की, कि डॉक्टर बन गई। थर्ड ट्रैक पर जो एक मैन खड़ा है, इसको बिजनेसमैन बनना है। तो ये बिजनेसमैन बनने के लिए ये क्या करेगा, साइंस से भी बन सकता है, कॉमर्स से भी बन सकता है, आर्ट से भी बन सकता है। तो लेकिन कॉमर्स माना जाता है बिजनेस के लिए, तो बिजनेस के लिए साइंस, कॉमर्स माना जाता है बिजनेस के लिए, तो ये बिजनेस कॉमर्स के बाद ये आराम से एमबीए कर सकता है। एमबीए करने के बाद अच्छा खासा बिजनेस ये कर सकता है। तो ये सिंपलेस्ट पाथ ये फॉलो किया। फोर्थ ट्रैक पर जो एक लड़की खड़ी है, इसको फैशन डिजाइनिंग के लिए जाना है। तो फैशन डिजाइनिंग के लिए ये सिंपलेस्ट पाथ देखेगी कि मुझे क्या करना है। सिंपलेस्ट पाथ क्या हो सकता है, ये आफ्टर द ट्वेल्थ ये बीए कर सकती है फैशन डिजाइनिंग से, एंड देन ये फैशन डिजाइनिंग अपना कंप्लीट कर सकती है सिंपलेस्ट वे में, या फिर डिप्लोमा भी कर सकती है फैशन डिजाइनिंग में, एंड देन ये सिंपलेस्ट वे में आगे बढ़ सकती है। वैसे ही फिफ्थ नंबर पे है जिसे आईएएस बनना है, वो भी एक सिंपलेस्ट पाथ फॉलो करेगा। सिक्स ट्रैक पे जो लड़का है, इसे आईटी कॉलेज में जाना है। तो आईटी कॉलेज के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, इसे सिंपल सी बात है, पीसीएम रखना पड़ेगा। ट्वेल्थ के बाद ये जेई एडवांस एंड जेई मेंस का एग्जाम दे करके आईटी कॉलेजेस में एडमिशन लेके अपने गोल्स को पूरा कर सकता है। तो ये सिंपल सा बात है कि ये आपको डिसाइड करना है कि कौन सा सिंपलेस्ट रास्ते, कौन सी सिंपलेस्ट पाथ आपको उस ट्रैक तक, आपके अपने गोल तक आपको पहुंचाने में मदद कर रही है, तो वही रास्ते पे आप चलें। ऐसा नहीं कि टेढ़े मेढ़े रास्ते पकड़ो एंड देन तक अपनी गोल तक पहुंचो। ये करने में टाइम ज़्यादा लेता है, मैटर ये नहीं करता है कि टाइम ज़्यादा लेता है, मैटर ये करता है कि आप डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा हो जाते हो, आप परेशान ज़्यादा हो जाते हो, आप कहीं ना कहीं गोल्स छोड़ने पे मजबूर हो जाते हो। तो इससे बेटर है कि आप सिंपलेस्ट रास्ते फोकस कर लो कि हाँ, मुझे मेरे गोल तक पहुँचना है, तो सबसे आसान रास्ता क्या है, कौन से स्ट्रीम लेने से मैं उस तक पहुँच पाऊँगा, वो सिंपल रास्ते पे चलो एंड उस गोल तक पहुँच जाओ। तो आपके भी कुछ चाइल्डहुड ड्रीम्स होंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके क्या चाइल्डहुड ड्रीम्स थे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करने के लिए भूलना मत, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आपके जैसे ड्रीम्स हैं, उन लोग के भी कुछ ड्रीम्स होंगे, तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करने के लिए भूलना मत, कंजूसी मत करना लाइक में। कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, कॉमर्स के मेन सब्जेक्ट्स के लेक्चर वीडियो इस चैनल पे आने वाले हैं, एंड दोज हु आर इंटरेस्टेड इन लाइव लेक्चर, एंड जिन्हें अभी से ही पढ़ना शुरू करना है, वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर ले। वहाँ पे मैं कॉमर्स के स्टूडेंट का लाइव क्लासेस लेती हूँ, तो दोज हु आर इंटरेस्टेड ज्वाइन टू टेलीग्राम, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा मेरे लाइव क्लासेस का। थैंक यू, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्टे एट होम, स्टे सेफ, प्लीज डोंट गो एनीवेयर, एंड कीप स्माइलिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।